तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको पता है कि लगभग 1 महीने का टाइम रह गया है और नई से नई खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम है जो तिलमिलाई या बौखलाई हुई है इंडिया को हराने के लिए। क्योंकि 2014 से अब तक 24 तक पूरे 10 साल हो गए हैं, एक भी ट्रॉफी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2 बार इंडिया में हराया है ऑस्ट्रेलिया को और 2 बार ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर ऑस्ट्रेलिया में हराया है। तो पूरी की पूरी टीम जो है तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। तभी पैट कमिंस ने इतना लंबा रेस्ट लिया है, अब वापस आए हैं और पूरा एनालाइज कर रहे हैं। सभी के बयान आ रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की इतने में हराएगी, इतने में हराएगी। तो एक और बयान आया है, वहां आया है डेविड वॉर्नर का। तो डेविड वॉर्नर में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था पॉडकास्ट, तो उसमें एक ऐलान किया है कि अगर जो है ऑस्ट्रेलियन टीम को उनकी ज़रूरत पड़ती है टॉप ऑर्डर में, तो वो अपना संन्यास से यू टर्न ले सकते हैं, मतलब दोबारा से खेल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं बता देना चाहूँगी, डेविड वॉर्नर ने है जो इसी साल जनवरी में संन्यास ले लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हुआ था उनके बाद। तो उनका लेटेस्ट पॉडकास्ट में इंटरव्यू आया है कि वो यू टर्न ले सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की ज्यादा ही जरूरत पड़ी बीजेटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने इस साल ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, जनवरी के बाद उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले ऑस्ट्रेलियन टीम में। तो जितनी उनकी तैयारी है ऑस्ट्रेलियन टीम की, उतनी ही मेरी तैयारी यानी कि डेविड वॉर्नर की तैयारी है। अगर उनको कॉल आता है उन्होंने कहा, तो वो कम्युनिटी शील्ड जो उनकी ट्रॉफी होती है, घरेलू ट्रॉफी होती है, वहां पर मैचेस होते हैं, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी है, वहां पर कम्युनिटी शील्ड, वहां पर वो जाकर तैयारी कर सकेंगे। तो देख लीजिए कितने बौखलाए हुए। इवन डेविड वार्नर भी कह रहे हैं कि भाई मैं वापस आ सकता हूं रिटायरमेंट के, और कम ही प्लेयर होते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, जब एक बार ले लिया रिटायरमेंट तो ले लिया। लेकिन इंडिया को हराने के लिए सभी पूरा एडी जोटी का जोर लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, सभी के सभी हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर या फिर हाथ डटकर पीछे पड़ गए हैं इंडिया का। क्योंकि आपको पता ही है कि 10 साल हो गए हैं कोई ट्रॉफी नहीं आई है, तो इंडिया ही ऐसा कर पाई है पूरी हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराकर, और कोई भी टीम नहीं कर पाई है। मेरे ख्याल से अगर आप वे बैक करें तो शायद वेस्ट इंडीज़ हो सकती है, इतना मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन अगर मैं रिसेंट के टाइम करूं तो ये बात है। तो यही था, डेविड वॉर्नर ने ऐलान कर दिया है। अब देखो टीम जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है वो उनको वापस लाए ले आएगा या नहीं लाएगा, मेरे ख्याल से मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड कितना सख्त है आपको पता ही है। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले जय श्री राम। ओके, बाय।